आज सुबह लगभग 8 बजे थानाधिकारी पाड़ी के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गंगोरा में अवस्थित अंजनी माता मंदिर के जो पुजारी श्री ओम प्रकाश जी, उनको करंट लगने से घायल हुए हैं। इसकी सूचना पर मैं स्वयं साथ में वृत्ताधिकारी कांवर श्री प्रदीप यादव जी एवं JNJVNL पहाड़ी एम्बुलेंस में जाप्ता हम मौके पर पहुँचे। मौके पर जो घायल श्री ओम प्रकाश जी हैं, उनको हमारे द्वारा सर्वप्रथम CSC पहाड़ी लाया गया और बेहतर उपचार हेतु RBM चिकित्सालय भरतपुर के लिए रेफर किया गया। वर्तमान में जो पुजारी जी हैं, उनका इलाज RBM चिकित्सालय की ICU में चल रहा है। बिजली बोर्ड ने चेकिंग के दौरान क्या पाया अभी? हाँ, इस संबंध में हमारे द्वारा बिजली बोर्ड से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि लगभग रात्रि को 4 बजे के समथिंग पास में जो मंदिर के पास में 11 KV की लाइन जा रही है, जो लगभग 40 फुट दूर है मंदिर से, वहाँ पर आकाशीय बिजली गिरने से इंसुलेटर ब्लास्ट हुआ है, जिससे हाई वोल्टेज बढ़ने के कारण जो मंदिर के लिए सर्विस लाइन जा रही है उसमें फॉल्ट हुआ और संभवतः वो तार गिरने से जो पुजारी है वो घायल हुए। क्या ऐसा भी पता लगा कि पुजारी का जब रात को घायल हो गया तो सुबह जाके पता लगा उसको, ऐसा क्या कारण रहा? जो हमें सूचना वहाँ के आमजन के द्वारा उपलब्ध कराई गई, आमजन के द्वारा थानाधिकारी पहाड़ी को सूचना दी गई सुबह जब वो पहुँचे, जो आमजन वहाँ पर पहुँचे उसके बाद, और थानाधिकारी पहाड़ी द्वारा हमें सूचना दी गई और हम तुरंत लगभग 15-20 मिनट में मौके पर उपस्थित हुए। क्या ऐसा भी है कोई खनन से लेकर भी कोई जुड़ा हुआ मामला हो सकता है? इसको विभिन्न लोगों के द्वारा खनन से संबंधित बताया जा रहा है, जबकि ऐसा वहाँ पर कोई 500 मीटर की अवधि में कोई खनन गतिविधियाँ नहीं है। और जो ये डेडिकेटेड लाइन जा रही है वो भी लगभग मंदिर से 40 फुट दूर है, ये विद्युत घटना है जिसमें विद्युत तार के फॉल्ट होने से हुई घटना है, इसमें खनन से संबंधित कोई बात नहीं।